हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं जा रही हूँ घर आज, और यार डिसाइड तो मैंने वैसे ऐसे किया था कि घर वालों को जाके सरप्राइज़ दूंगी, बट सरप्राइज़ कहाँ से दे यार। मुझे ना एक दिन बैठे बैठे याद आया कि यार मैम तो मतलब मम्मी लोगों को कॉल करती हैं और तब बोलती हैं कि मतलब कि आपके बच्चे घर आ रहे हैं, मतलब उनको इन्फॉर्म करती हैं। तो इसलिए चलो सरप्राइज़ का तो मेरा गया सब। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30, और ये जो मेरे साथी हैं ये बेचारे सो रहे हैं अभी, क्योंकि इनको जिस बस में जाना है वो है थोड़ी लेट, और मुझे जो है जिस गाड़ी में जाना है वो थोड़ा जल्दी जा रही है। तो अभी मैंने पूरा सामान वामान अपना ऐसे पैक वैक करके जो है रख दिया है, और चलते हैं। मैडम उठ गए आप? कितने बजे जाना है? कितने बजे जाना है पता है? अभी कितना टाइम बज रहा है? अभी 3:30 हो रहे हैं, और ये स्मिता तो सो रखी है, खाली हम फोन चार्ज लगाने उठे हैं ये लोग और सो गए हैं उसके बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने और दोस्तों को देखने जो मेरे साथ जाने वाले हैं, कि वो रेडी हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। देखते हैं यार। बगल के पिंक वाले रेडी हो गए तुम? ये लोग जा रहे हैं मेरे साथ। फाइनली घर जा रहे हैं। मेरा तो इस बार जाने का मन नहीं कर रहा था। सही में यार। चलो अच्छा ये भी है कुछ, इनका भी दुख सुन लो यार। हम फाइनली घर जा रहे हैं, फाइनली। सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, सब घर जा रहे हैं अपने अपने। तो ये लोग तैयार हो रहे हैं, तो तब तक मैं जो है दीपाली लोगों को उठा देती हूँ, क्योंकि उसको भी जाना है 5 बजे की है शायद उसकी, और टाइम तो हो गया है। और ये देखो यहाँ पे कौन घूम रहा है। ओए क्यों चिपाई, क्यों चिपाई, ओए छू छू कर रही, ओए छू, गंदी बात। इधर आ तो, इधर आ तो, इधर आ तो। बाय बाय बाय। अब गुची 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 गुची। चलो जाओ बाहर, जाओ जाओ बाहर, जाओ बाहर, जाओ यार। ये बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे हैं यार। जाओ बाहर, जाओ जाओ। चलो बाय। उठ यार, उठना प्लीज, उठ जाना प्लीज। तू कितने बजे जा रही है बता, कितने बजे जा रही है? तू मुझे बाई बोलने नहीं आएगी बाहर? कितनी बदतमीज है, रुक जाते। मिलती तुझसे मैं अब। मेरी गाड़ी आ गई, मैं जा रही हूँ। चलो बाहर चलो मुझे छोड़ने, बाहर चलो मुझे छोड़ने। चल खड़ी हो, खड़ी हो, तू भी खड़ी हो। चल यार, यार खड़े हो जाओ ना यार जल्दी। चलो बाहर चलो मैं जा रही हूँ, बाय। चाबी ले ली मैंने और सब हो गया, कुछ भूली तो नहीं मैं? दिमाग थोड़ा बड़ा बैग लेके जा रही हूँ, लैपटॉप वाला बैग उठाइयो। तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ, चल चमोल वो चौहान तू भी चल। सॉरी यार नहीं, चीटिंग है वो। ये देखो कुछ परेशान लोग हैं, इन्हें ये दिख भी नहीं रहे हैं, अभी अंधेरे में दिख भी नहीं रहे हैं। कूद गई स्नोई, स्नोई बॉटल देना, हाथ लंबे और क्या इसका भी लैपटॉप वाला रख दे। लैपटॉप है क्या? मेरा ही पकड़ा दे। लापी वाला बैग मेरे पास है क्या? रूपल के हाथ में दे वो लैपटॉप वाला बैग। बाय 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 बाय। जेल में हम आजाद हो गए हैं, हम आजाद हो गए। क्या वो पंची बन? और ये वही भैया हैं जिनके साथ हम एक बार आए थे। अभी निकिता
ये वही भैया है जो हमें फिर से लेके जा रहे हैं। वैसे ये हमसे उम्र में छोटे हैं पर ये हम इन्हें भैया बोल देते हैं। हम इन्हें भैया बोल देते हैं, हैंगर गाड़ी चलाते हैं कि हमें जल्दी घर पहुंचा देंगे। और हम लोग निकल गए हैं। ये अभी अंधेरा है, उजाले में जाके देखेंगे। और यहाँ पर निकिता हमारी एंट्री कर रही है कि हाँ हम लोग बाहर जा रहे हैं। सो अभी बज रहे हैं 8:30 और हम लोग पहुंच गए हैं 3 धारा। मस्त सो गए थे। ये बाहर ही नहीं जाना चाहती है ये चौहान यार, ये गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल रही है। हाँ यार, आज जो है तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुई सबकी। सबसे लास्ट सीट पे बैठी हूँ मैं। कोहरा हो रखा है यार, बारिश का अलर्ट दिखा रखा है लेकिन अभी तक तो बारिश आई नहीं। दो तो सामान ऊपर तो चढ़ो। गुड गर्ल। नो बेला, नो बेला कह रही। डोरा हाथ नहीं काटना, नो कट्टी। भयंकर हल्ला मचा रहा उसने ऊपर। पिकू मम्मी अभी टिक्कू को छोड़ने के लिए जा रही है, देखते हैं क्या करता है। दोपहर ऊपर से दरवाजा फोड़ रहा है। अपने आप ये इनकी गाड़ी फंस गई यहाँ पे। अब हमको जुगाड़ ढूंढ रहे से निकालने का। तो उन भैया की गाड़ी फंस गई थी और पूरे 1.5 घंटे बाद जुगाड़ लगा लगा के मैंने किसी को बुलाया उनकी गाड़ी निकालने के लिए। अब देखते हैं कस कैसे निकलती है। पूरे 1.5 घंटे हो गए हैं यार। अंदर घुसा दिया उनको। ओहो फाइनली निकल गई। ये देखना कितना ज्यादा गंदा हो रखा है यहाँ पे। सो फाइनली 2 घंटे बाद उनकी गाड़ी निकल गई यार। मतलब एक मोमेंट था जो मुझे कैप्चर करना था यार, मैं ना देखती रह गई और मैं भूल ही गई कि मुझे उसको शूट भी करना है। मतलब वो भैया जो उनकी हेल्प कर रहे थे ट्रैक्टर वाले, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से वहाँ से गाड़ी निकाली, मतलब वहीं से निकाली जहाँ से फंस रखी थी, और इतनी सही तरीके से निकाली पूछो मत यार। मतलब मैं तो ऐसी देखती रह गई और मैं चाह भी रही थी कि मैं उसको शूट करूँ पर
मेरा ध्यान तो वहीं रह गया, मैंने शूट ही नहीं करा। अब मैं जाके जरा नहा लेती हूँ यार जी, बहुत हेक्टिक काम हो गया है। तो यार मैं उठ गई हूँ सो के, और शानू अभी यहाँ पर है नहीं, तो जब वो आएगी तो तब आप लोगों से वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।